दाल हो या धनिया सब बेचता है बनिया। जी हाँ, आज हमारे देश की पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% लोग ही बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी देश की जीडीपी में इनका टोटल कंट्रीब्यूशन 20% का है। बनियास बड़े से लेकर छोटे धंधे तक, फिर चाहे वो किराने की दुकान हो या फिर कपड़े की, हर फील्ड में अपना पैर गाड़े हैं। और पता है, एक भी बनिया आपको गरीबी में तड़पता हुआ नहीं दिखेगा। भले से उनका कोई करोड़ों का बिजनेस ना रहे, बट फिर भी वो एक मिडिल क्लास तो रहते ही रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या ही खास बात है ये बनिया कम्युनिटी में? वेल, यही सवाल मुझे भी सताया था और आई थिंक आपको भी सता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड मेरे साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। बनिया दरअसल ये एक कास्ट है जो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के रहने वाले लोग हैं। मित्तल, गोयल, अग्रवाल, ये सब बनिया कम्युनिटी से तो बिलोंग करते हैं, और देखा जाए तो ज़्यादातर ये लोग अमीरों में शुमार है। और इसके पीछे की वजह आओ जानते हैं। नंबर वन, इन बनिया लोगों की फाइनेंशियल लाइफ और एजुकेशन बाकी लोगों से एकदम अलग रहती है। जहाँ एक नॉर्मल घर में डिग्री पाकर एम्प्लॉय बनने की तैयारी हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर एक बनिया के बच्चे को बचपन से ही पैसे की सही वैल्यू बताकर उसे इन्वेस्ट करना सिखाया जाता है। और नौकरी करना ये लोग अवॉइड करते हैं, भले से धंधा छोटा हो पर अपना हो। नंबर टू, डिस्काउंट ऑन बिग थिंग्स। अब ना यार, आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग सब्जी वाले से 1-2 रुपए डिस्काउंट मांगने के लिए बहस कर बैठते हैं, और इससे घंटा भी कुछ फ़र्क पड़ता होगा उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर। जिधर डिस्काउंट मांगना चाहिए, जैसे कि मॉल, होटल्स, इधर तो इन्हें शर्म आती है, बट बनियास इधर बिल्कुल भी नहीं शर्माते। वो छोटे मोटे डिस्काउंट पर ज़रा भी भरोसा नहीं रखते, और जब बात मॉल या फिर होटल्स में डिस्काउंट मांगने की आए तो ये बिल्कुल भी नहीं पीछे हटते। और देखा जाए तो यही सही है, अपनी शर्म को फेंको पानी में और इस वाले फंडे को अपना लो। अरे सही में। नंबर थ्री, स्मार्ट बिजनेस। अब ना भाई लोग, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस लाइन को ये बनिया कम्युनिटी के लोग गांठ बांधकर अपने दिलो दिमाग में रखते हैं। अपने धंधे में ये लोग दिल खोलकर इन्वेस्ट करते हैं। एक और शॉकिंग बात, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ज़्यादातर इन लोगों को ही रहती है, और इसके पीछे की वजह ये है कि ये लोग अपने बिजनेस में काफ़ी बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सक्सेस भी बड़ी ही मिलती है। नंबर फोर, मनी मैनेजमेंट। आपने भी ये कभी तो सुना होगा कि जब भी आप दुकान पर डिस्काउंट मांगते हैं तो बदले में सामने वाला आपको यही जवाब देता है कि बनिया है क्या? वो इसीलिए गाइस, क्योंकि हमारे देश में इन लोगों को लेकर एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये लोग कंजूस होते हैं। दरअसल ये लोग कंजूस नहीं, बल्कि पैसों को लेकर इनका हिसाब किताब एकदम पक्का होता है। महीने भर में कितना पैसा किधर लगा, इन सब का रिकॉर्ड इनके पास रहता ही रहता है। नंबर फाइव, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। नॉर्मल व्यक्ति जब अपने बिजनेस की सीढ़ी चढ़ता है तो वो अपने रिश्तेदार को पीछे छोड़ने के इरादे में रहता है, पर यही एक बात, जब एक बनिया अपने धंधे में सक्सेस पाता है तो साथ में वो अपने रिलेटिव्स का भी ख्याल रखता है। साथ में ग्रो करना मानो इनके कल्चर में है, और इनके अकॉर्डिंग जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी नेटवर्थ भी रहेगी। इन सब के अलावा भी बनिया लोगों को सोना पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है, और ये लोग कभी भी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे इनका एक धंधा ग्रो हुआ, ये लोग तुरंत ही साइड में अपना दूसरा धंधा भी खोल लेते हैं, और अगर बदलती मार्केट के साथ धंधा चेंज करने की नौबत आई भी तो ये लोग ज़रा भी नहीं कतराते। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।